तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। सो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि गाइस यार, आप सबका विलास फिर से आ ही रहा है न्यू ब्रांड एपिसोड के साथ। तो गाइस यार, आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही रोमांचक वाला बॉस फाइट। एंड यार गाइस, हाँ आप लोग ने सोचा होगा पिछले एपिसोड में भाई हम लोग ने भाई कुछ नहीं किया था, बस मिल्क के लिए काऊ के लिए पकड़ा था और कुछ पोकेमॉन्स पकड़े थे। तो आज हम लोग करने वाले हैं कुछ बॉस फाइट एंड कुछ बॉसों को पकड़ने वाले हैं, साथ ही साथ हनी का भी तलाश करेंगे और हनी वाले को भी पकड़ के लाएंगे। और गाइज मैंने हाँ एक और बेस मैंने बना ली है और यहाँ पे उस बेस पे मैं चलता हूँ फटाक से। मेरे पास यार देखो ये, और मैंने ये खोला है इसको एंड ये वन लेवल का, देखो ये मतलब एक से मिला है, बट मैं आज बॉस को ही हराने वाला हूँ और जाकर यहाँ पे देखो इसी बॉस से। बाकी मैंने एक बेस बनाया है जो कि बेस ओवरऑल बेस आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा बेस है, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने आयरन के लिए जगह खोजा था तो ये जगह मुझे अच्छी लगी और ये बनेगा भी बहुत खूबसूरत। फिलहाल यहाँ पे आयरन बहुत अच्छा निकाल के दे रहे हैं सब, 146 आयरन देख रहे हो, तो आयरन बहुत अच्छे से मिल रही है। अब मैं आयरन का हर चीज़ बना सकता हूँ, आयरन का सूट, आयरन का मतलब हर वो चीज़ जो चीज़ मुझे चाहिए। तो फिलहाल मैं फटाक से इसको चलता हूँ अपने घर पे और वहाँ पे आयरन का एक सूट बनाता हूँ। तो मैं एक आयरन का सूट फटाफट बना लेता हूँ। गाइस यार मेरे पास होंगे आई थिंक आयरन का तो भरमार है भाई, आयरन यहाँ पे भरमार है देख रहे हो भाई, यहाँ पे और लगा देता हूँ। ले भैया ओम फो, ठीक है। तो अभी आयरन भी मेरे पास है, सब कुछ है, परफेक्ट है एंड मेरे पास हर चीज़ हो चुकी है। और ये बूसी जो है ना भाई, बहुत ही मतलब अच्छा पोकेमॉन है। इसका एक ही चीज़ है, ये गायब होकर मारता है और हमारे पोकेमॉन के लिए जो कि बहुत हानिकारक है। एंड मैं इसको हरा पाऊंगा कि नहीं हरा पाऊंगा, बट मैं तो वहाँ चल के ही पता चलेगा। मेरा 26 लेवल की मेरी है, मैं 28 लेवल का हो गया हूँ, लेवल अप तो हो गए हैं। फिलहाल मैं अपने आर्मर बना लेता हूँ, एक बढ़िया सा आर्मर जो कि मेरे लिए अच्छा हो। यहाँ पे भाई मैंने एक नेल्स बनाया था, बनाने के लिए रखा था, नेल्स बना रहे थे। आर्मर कौन सा बनाया भाई, आर्मर इसमें नहीं बनता है यार, इसमें गन बनती है। गन बना लूँ, गन तो भाई कोई मतलब ही नहीं बनता भाई, ठीक है। तो चलो, और मैं यहाँ पे अपने हेल्थ में डाल देता हूँ, एक वेट में डाल देता हूँ भाई। डिफेंडिंग पावर नहीं बढ़ती यार, डिफेंडिंग पावर बढ़ती ना तो ये डिफेंडिंग पावर तो मस्त होता भाई। डिफेंडिंग पावर नहीं बढ़ती है, वर्किंग स्पीड बढ़ती है, तो बट वेट में डाल देता हूँ, वेट बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है, ठीक है। तो 28 लेवल का मैं भी हो गया और फिलहाल टेक्नोलॉजी मेरा आ चुका है, जो कि टेक्नोलॉजी भी देख सकते हो मेरे पे बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है। अभी मेटल का आर्मर मैं बना सकता हूँ, बट यार मेरे पास वो जगह नहीं है कि मैं किस पे बनाऊँ। बाकी यार हाँ, ये गीगा शील्ड है, ये भी खोल दिया और गीगा शील्ड बना लेते हैं एक। ओके, इसके लिए मुझे भाई 29, एक कम बस है, एक कम है, तो गीगा शील्ड तो बना ही लेता हूँ। गीगा शील्ड बन जाएगा क्या? नहीं यार, उसके लिए तो मुझे वो चाहिए ना, ओवरऑल मुझे ये चाहिए, ये बनाना पड़ेगा मुझे। तो इसके लिए मुझे सीमेंट चाहिए और भाई नेल्स तो है, और एक था इसमें जो कि स्पेयर के लिए है, ठीक है। तो ये वाला भाई बहुत ही बड़ा है भाई, देख रहे हो कैसे बनाऊंगा, तो मुझे ये सारी की सारी हिस्सा तोड़ना पड़ेगा। तो गाइस यार हमने पूरा बना दिया और यहाँ पे देखो ये भी कर दिया, ये भी कर दिया स्पेयर। तो यहाँ पे मैंने गीगा के लिए बनाया था शील्ड, मैंने शील्ड बना लिया था तो मैंने इसको तोड़ा एंड मैं गीगा शील्ड बना लिया और मैंने लगा भी लिया हूँ, जो कि देख सकते हो यहाँ पे गीगा का शील्ड मैंने लगाया हूँ, गीगा शील्ड। और अब मेरा बचेगा ये, तो इसको भी कर रहा हूँ फटाफट, ये भी हो जाए। और यहाँ पे रख देता हूँ एक बॉक्स बनाकर सामान को अर्जेंट, ठीक है। ये भी चीज़ें यहाँ पे रख दूँगा, जितना भी सामान है, जो भी आयरन है यहाँ पे ला के रखेंगे। और ये भी अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी मुझे मिल चुका है दोनों के दोनों स्पेयर। और क्राफ्टिंग के लिए क्राफ्टिंग टेबल एक बस मुझे अच्छा वाला बनाना है, ताकि उसका भी कोई ज़रूरत नहीं है अभी, अभी नेल्स होल्स बन जाएंगे बहुत अच्छे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें अब हो सकती है मेरे पास, खाने का आइटम, ये सीमेंट है, सीमेंट मैंने इतने ज़्यादा बनाने के लिए डाल दिए भाई कि उसकी बोलो ही मत। बाकी यहाँ पे क्राफ्टिंग है जो कि चीज़ें, ये बन रहा है स्पेयर बना लेता हूँ भाई, जल्दी से सबका हाथ बता देता हूँ मैं भी, हो जाएगा। तो भाई जल्दी बन जाए यार, क्या कर रहे हैं, ले बना ना, तू भी बना भाई, ये तो बहुत स्लो है मुझे ना यार। यहाँ पे देखो हाइपर स्पेयर भी बना सकते हैं, अब हाइपर स्पेयर बना लेते हैं। सो गीगा स्पेयर तो पहले बना ही लेते हैं, एक दो तीन चार, दो ही बन रहा है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको डालता हूँ, वाह सब मिलकर बना रहे भाई बहुत तेज़ी से। दो ही बनेगा क्या भाई, मेरे पास दो ही है यार। ओके मेरे पास तीन हो गए, मुझे और स्पेयर की ज़रूरत है यार, इसके लिए इंगेट, इंगेट मेरे पास है नहीं,
चलो इतने में तो आई थिंक पकड़ा जाना चाहिए, अगर नहीं पकड़ाएगा तो भाई क्या करेंगे भाई। एक भूसी को पकड़ना, पाल स्पेयर मेरा ये भी हो चुका है अपग्रेड एंड पाल बॉक्स भी, तो यहाँ पे इसको भी अपग्रेड कर लेते हैं भाई। 14 पाल को हम लोग अब अंदर रख, 14 पाल को तो मैं एक ना एक आयरन वाले भाई यहाँ पे देख रहे हो भाई, ये बहुत ही बढ़िया है और निकल गई है कैटरेस, तो मैं कैटरेस को ही निकाल देता हूँ और आयरन क्रॉपिंग के काम में आएगी। अभी तो फिलहाल इसको लेवल अन भी नहीं है भाई, लेवल के लिए मुझे करना पड़ेगा बहुत सारा। बाकी यार मंकी है यहाँ पे वेटिंग के लिए, ये भी वेटिंग के लिए है, मंकी सप्लायरिंग के काम करती है। चलो ओवरऑल मैंने अभी तक पूरा बन चुका हूँ और यहाँ पे ये भी चीज़ हो चुका है जो यहाँ पे काम कर रही है मेरी बूट्स एंड ये कैटरेस ऊपर के अंदर। सो यहाँ पे और भी स्पेयर मुझे बनाने पड़ेंगे बट मेरे पास इंगेट नहीं है, तो इंगेट अब लाने के लिए समय नहीं है। मैं चलता हूँ फाइट के लिए सीधे और फाइट करेंगे मस्त वाली और झकास वाली एकदम फाइट। वैसे थाली खाना भी बनाया हूँ मैंने और फटाक से मैं चलता हूँ जहाँ पे बॉस फाइट करना है। अरे मैं खाना भी खाया ना, अरे मैंने खिलाया किसको, अपने खाया था किसको खिलाया था, पता नहीं किसको खिलाया था। वैसे मेरा शील्ड है भाई, हथियार मेरे पास सभी कुछ खास हथियार नहीं है, बस एरो है वो भी देखता हूँ। तो लेट्स सी मैं चलता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे था बूसी, ये है भाई 23 लेवल का, ये है 23 लेवल का, 23 लेवल वाले पहले बूसी को मारते हैं। और मेरे पास भाई 23 लेवल का बूसी है कहाँ भाई, बूसी तू है कहाँ। अबे ये क्या है, भाई मर गया क्या भाई यार, भाई दोनों का भाई ये तो पंगा ले रहे हैं, नंगा कर दे रहा भाई मेरा, ये भाई मेरा निगेटिव ना इतना खतरनाक है ना भाई, कि इन सब का क्या बोलूँ, बहुत ही खतरनाक लेवल का बंदा है। मतलब मारता है ना भाई तो हालत पंचर कर देता है एकदम, क्या भिड़ने का, चल आ जाना, चलो रे चलो भूसी से फाइट करने चलो, आजा भाई तू आजा, बाद में इन सबसे लड़ना, तू हर किसी से लड़ता फिरता है भाई, जैसे ऑन हुआ वहीं पर। तो भाई चलो भाई इंटर करते हैं, भूसी के पास ही है ना भाई, हाँ भूसी के पास है, इंटर द फाइट, तो मजा आएगा। भाई ये गायब होकर मारता है, देखे पहले मैं बॉल सिलेक्ट कर लेता हूँ, अच्छा मारेगी मेरा, अभी तो मैं उसको नहीं इसको लड़ाऊंगा पहले, तो इसका पावर देखोगे, ये बॉय डाइन डाइन, इससे भी फाइट कराए क्या भाई, ये बहुत ही आसान है बूसी को, मतलब इतना आसान मैं सोचा नहीं था यार, मैं मुझे लगा ये कहाँ गया यार, अभी गया कहाँ भाई, वो गया कहाँ, ये क्या ग्लिच है, पता नहीं कहाँ गया, भाई ये क्या ग्लिच था, वो कहाँ चला गया यार। गाइस मैंने उसी को मारा था, वाह ये भैंस की टांग, भाई मुझे मुझे क्यों मार रहा है,
ओ भाई क्या मारा है ये, अब उसको दाब के मार रही है यार। अरे अरे मेरे पास आया है सीधा। मार इसकी भैंस की, अंडा फोड़ इसका, एकदम अंडा फोड़ दे। चलो आ जा, 25% है वरना मर जाएगा। आ जाएगा, अब इसके बाद नहीं होगा तो मैं ये ग्रीन बॉल से ट्राई करूंगा। चल भाई, ग्रीन वाले बॉल में आ जाना चाहिए। आ जाएगी। चलो भाई, इसका भी लेवल अप हो गया और ये भी अपना बढ़ गया, 24 लेवल का हो गया। फिलहाल मैंने बूसी को भी पकड़ लिया आसानी से। भाई बहुत आसान एंड था बूसी को पकड़ना, मुझे लगा कुछ टफ होगा। और फर्स्ट अटेम्प्ट में तो ग्लीच हो गया था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि भाई क्या हो गया। फिलहाल मैंने बूसी को भी पकड़ लिया, अब मुझे पकड़ना है इसको और इसको। तो मैं इसको पकड़ूंगा, इसको नहीं पकड़ूंगा, इसको पकड़ने से कोई मतलब नहीं। इसको पकड़ने सुनता हूँ ये हवे में उड़ता भी है, मेरे लिए फायदेमंद हो जाएगा। ओके नाइस वन, काऊ भी दिख गई गाइस। चलो भाई, दो दो काव हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं फटाफट यार चलता हूँ जहाँ पे मुझे वो मिलते हैं, क्या नाम, हनी। हनी भी लेके आने हैं, तो हनी के लिए भाई वैसे ओवरऑल आज का बस यही था। एंड मैं चलता हूँ अपने घर की साइड और मैं अगले एपिसोड में दिखाऊंगा किसी और बॉस से फाइट। सो ये था एंड आप सभी का बॉस जो कि बूसी, और बूसी को हम लोग ने पकड़ लाया और बूसी को हम लोग तो दिखाया ही हूँ बूसी का काम क्या है। बाकी यार ये बॉस कितने लेवल का था यार, कहाँ गया यार बॉस, बूसी कहाँ गया। ये भाई 23 लेवल का था, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं था। और इसकी डैमेज पावर 362 है, ये फायर का, क्राफ्टिंग एंड वुडिंग का 3 लेवल से तोड़ता है, तो अच्छा है। अच्छी बात ये है कि इसके अंदर एबिलिटी है, ये है वर्चुअल, ये भी बढ़िया है इसकी। और इसकी बात की जाए तो ये उससे भी बेटर है, 65, 55, 30, इसमें भाई 30 बस। तो ऐसे करके हम लोग पकड़ रहे हैं सारे के सारे बॉसेस। भाई मैं छोटे छोटे अभी तो बॉसेस को पकड़ रहा हूँ, आगे और अच्छे बॉसेस को पकड़ेंगे। सो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा अगर मेक श्योर तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।